उज्जैन में लॉकडाउन के दौरान जहां कुछ लोग इंतजामिया के लिए सरदर्द बने हुए हैं, वहीं बोहरा कम्युनिटी एक मिसाली काम कर रही है। उन्होंने अपने इलाके को खुद ही पूरी तरह से बंद कर रखा है और किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। कम्युनिटी मेंबर के यहां जिस भी ज़रूरी चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ कम्युनिटी के गार्ड्स ही लाकर देते हैं। इसी के साथ काउंसलर रहीम लाला भी इस इलाके में सफाई इंतजामात का ख़ास ख्याल रख रहे हैं। रहीम लाला ने कहा कि बोहरा कम्युनिटी लॉकडाउन में एक मिसाल पेश कर रही है। पार्षद महोदय द्वारा आज बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन किया गया और हर गली हर मोहल्ले में सैनिटाइज किया गया। बहुत ही सराहनीय काम किया गया और वार्ड में बुरहानी गार्ड हमने तैनात कर रखी है। मतलब हर किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इसमें क्या है कि जरूरत के हिसाब से ही जाने दे रहे हैं। सब्जी दूध वगैरह अगर आपको लाना हो तो बुरहानी गार्ड्स के मेंबर को बोल दीजिए, वो आपको घर लाके दे देंगे। मेरा नाम नजमुद्दीन। पार्षद होने के नाते मेरा जो दायित्व जिन लोगों ने मुझे पार्षद बना के यहाँ पे दिया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना उस दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करें। और जैसा क्या जो पूरे शहर में जो निगम के माध्यम से जो सैनिटाइजेशन हो रहा है, आज उस कड़ी में हम बोहरा बाखल में बादशाह की दरगाह और इसके आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी पहल देखने को मिली मुझे, खास करके बोहरा कम्युनिटी की तरफ से, कि इन्होंने बाखल के सब तरफ के जो रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं प्रशासन के अलावा भी, और अपने कुछ गार्ड बिठा रखे हैं ताकि अगर आपको सब्जी दूध फल दवा किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप पर्ची उन तक पहुँचा दें, वो जरूरत की चीज़ें आप तक पहुँचा देंगे। अभी मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार कभी अलग अलग शहरों के और हमारे शहरों के अलग अलग मोहल्लों के दीगर हजरात के वीडियो आते हैं, फोटो आते हैं, पुलिस पीछे पीछे जनता आगे आगे या फिर इससे खेल बना रखा है। भाई जनता से ये उम्मीद प्रशासन करता है कि हमने जो लॉकडाउन किया है उसका पालन बहुत ज़्यादा सख्ती प्रशासन को ना करना पड़े, कम से कम इस तरीके से करें। मतलब अगर प्रशासन ने अपनी तरफ से अगर सख्ती बढ़ा दी तो आपको खाने पीने की भी तकलीफ होने लगी। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा एहतियात बरतें और कम से कम घरों से निकलें। बुरहानी घाट कायम है। बुरहानी घाट के माध्यम से हम बाखल में लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन ने जो लॉकडाउन किया है उसका पालन करते हुए अपने घरों में ही रहे। मेडिकल व्यवस्था अति आवश्यक वस्तुओं के लिए बुरहानी घाट के मेंबर्स यहाँ पे बाखल में गेटों पे तैनात है। आपको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत हो बुरहानी घाट के सदस्यों के माध्यम से आप घर पे ही लाके उनको सामान उपलब्ध करा रहे। बोहरा समाज जहाँ जहाँ है वहाँ इस प्रकार बुरहानी घाट है, वहाँ सभी बुरहानी घाट के मेंबर सेवाएं दे रहे हैं, दूसरी संस्थाएं भी सेवाएं दे रही है बुरहानी घाट के साथ। आप लिखा हुआ क्या?